हेलो क्लास टेन स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैं बैलेंसिंग के ऑलरेडी दो वीडियोस बना चुका हूँ, क्वेश्चन फिफ्थ एंड सिक्स पे, इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन सेवन्थ एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। अगर एक्सरसाइज का ना भी हो तो भी सीख लो यार, ज्ञान ले लो क्या जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ठीक है, शेयर करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका ही चैनल, चैनल का नाम शेषन झा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं स्टार्ट कराता हूँ, आपका वक्त ज़ाया नहीं करता। सेवन्थ क्वेश्चन का ए वाला पार्ट तुरंत 5 मिनट के अंदर आप सीख जाओगे कैसे निकालते हैं, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बड़े प्यार से, वो भी बड़े बड़े प्यार से। तो इसको मैं पहले ऐसे ही करता हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी कि आपका पहले आपको नाम दे रखा है, उसको आपको फॉर्मूला लिखना है, मोलिकुलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। तो अगर आप केमिकल फॉर्मूला भूल चुके हो तो भी टेंशन मत लो, बताता हूँ कैसे होगा। तो यहाँ देखो आपका क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, जो बच्चा बोल चुका है। कैल्शियम CA, हाइड्रोक्साइड OH, चार्ज इस पे +2, इस पे -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार। तो ये कैल्शियम और पूरे OH पे, तो इसका ट्वाइस। फिर इसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पता रहता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या, CO2। फिर इसके बाद क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनेगा, Ca+2, CO3-2, 2 और 2 दोनों सेम है, कैंसिल कर दिया, यहाँ भी वन यहाँ भी वन, क्या फॉर्मूला बन गया, CaCO3। और क्या दे रखा है, वाटर, अरे वाटर H में +1, ऑक्सीजन की ऑक्साइड आपका -2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो गया, H2O। दिख रहा है आपको सही से, कोई दिक्कत विक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ देखो आपका जो सेवेंथ का ए वाला पार्ट है वो क्या है, CaOH2+CO2 गिव्स CaCO3 प्लस में H2O। तो कैल्शियम यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 1, ठीक है, यहाँ कितने हैं 1। मैंने क्या कहा था पिछले दो वीडियोस में भी, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे एटम्स को चेक करना, लेफ्ट मोस्ट पार्ट से, क्योंकि वहीं पे आपका क्या होता है, सब कुछ हो जाता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। ठीक है, तो कैल्शियम यहाँ पे कितने आइटम, 1, राइट साइड में 1, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो आपका ऑक्सीजन कितने आइटम्स हैं, 2+2, 4 आइटम्स, प्रोडक्ट में 3+1, 4। फिर इसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बैलेंस्ड, कार्बन 1 ये ऑलरेडी बैलेंस्ड, बस आपको क्या करना था, केमिकल फॉर्मूला लिखना था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर बी वाले पार्ट के लिए मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे देखना बी वाले पार्ट के लिए, इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, हटाता मैं, मतलब हट रखा था तो। ठीक है, यहाँ पे देखो बी वाला पार्ट, जिंक, जिंक क्या होता है सिंबल, Zn, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का सिंबल स्टूडेंट Ag, चार्ज कितना +1, नाइट्रेट NO3, चार्ज कितना -1, क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया तो क्या बना, AgNO3। Ag, अबे गधे ऐसा कुछ नहीं सोचना, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। जिंक नाइट्रेट, तो जिंक पे चार्ज कितना +2, नाइट्रेट पे कितना NO3-1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया दोस्त Zn, और NO3 का क्या हो गया, ट्वाइस। ठीक है, फिर देखो सिल्वर, सिल्वर क्या Ag, ठीक है Ag, देखो Ag, ठीक Kg नहीं Ag। तो आपका देखो B, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स, ये क्या है, जिंक नाइट्रेट, ये हो गया प्लस में Ag। अब देखो जिंक के कितने आइटम्स हैं, 1, यहाँ कितने हैं 1 बैलेंस, सिल्वर कितने आइटम्स 1, यहाँ कितने 1 बैलेंस, यहाँ पे नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 2। एक और चीज, तो नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, अब नाइट्रोजन 2 बैलेंस। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, 3, 6 हो गए, यहाँ पे भी 2, 3, 6 बैलेंस्ड। अब लेकिन एक चीज की कमी है, यहाँ पे खत्म मत कर देना इस चीज को, यहाँ पे देखो सिल्वर कितना 2, सिल्वर कितना 1, सिंपल 2 लगाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है जिंदगी में, एकदम मस्त रहो, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे आपका अगला अगला है आपका एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम Al, कॉपर कितना
Cu plus 2, कॉपर के दो फॉर्म स्टूडेंट्स, दो फॉर्म कौन कौन से, क्यूप्रस जिसमें कि Cu प्लस 1 चार्ज पे, क्यूप्रिक जिसमें कि Cu प्लस 2 चार्ज पे। ठीक है, तो प्लस 2 क्या है, क्लोराइड, यानी कि क्लोरीन पे चार्ज कितना, क्लोराइड पे -1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन गया फॉर्मूला, CuCl2। फिर इसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम पे चार्ज कितना, +3, क्लोराइड -1, कैंस ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई AlCl3। फिर देखो यहाँ पे कॉपर, कॉपर क्या है, Cu। वैसे कॉपर को नाम क्या होता है बताना, जैसे सिल्वर का नाम क्या होता है बताना, Ag होता है अर्जेंटम, Cu होता है क्यूप्रम। एक अलग से वीडियो लाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा सबके नाम क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सी वाला एल्युमिनियम प्लस पे CuCl2 गिव्स AlCl3 प्लस पे Cu। एल्युमिनियम यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक चलेगा, कॉपर यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम चलेगा, क्लोरीन यहाँ पे दो एटम, यहाँ पे तीन। अब क्या है, मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या कहता हूँ आपको, कि आपने अगर पिछली दो वीडियो देखी होगी कि दो और तीन है तो इसके नजदीक का नंबर चार है, तो आप एक जगह दो मल्टीप्लाई कर दो, वो उस केस में होता है स्टूडेंट। जैसे कि यहाँ पे एच टू, यहाँ पे आपका एच है ठीक है, और यहाँ पे एच टू है, तो उस केस में इसको आप ट्वाइस कर दो, यहाँ पे आपका इस तरह से फोर हो जाता है। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर आपका सेपरेटली मतलब कि एक जगह टू है एक जगह थ्री, तो उसका आपको एलसीएम देखना है। क्या एलसीएम, सिक्स, यानी इसको मैं क्या कर दूंगा, सिक्स बनाने के लिए थ्री से मल्टीप्लाई, थ्री टू जा सिक्स, इसको सिक्स बनाने के लिए टू से मल्टीप्लाई। अब अगर ये दोनों आपके चेंज हुए हैं तो इसके साथ साथ देखो, कॉपर यहाँ पे थ्री एटम, यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, थ्री एटम, एल्युमिनियम यहाँ पे टू एटम, यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, टू एटम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करना। यहाँ पे देखो आपका डी वाला पार्ट, इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। तो डी वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, डी देखें, डी वाला पार्ट है बेरियम क्लोराइड, बेरियम पे चार्ज कितना स्टूडेंट, +2, क्लोराइड पे -1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, BaCl2। फिर इसके बाद पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम पे चार्ज कितना स्टूडेंट, +1, सल्फेट SO4 और ये चार्ज -2, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो गया, K2SO4। इसके बाद बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड दे रखा होगा, तो बेरियम सल्फेट क्या है आपका Ba+2, और सल्फेट क्या है SO4-2, कैंसिल कैंसिल क्या आ गया, 1 और 1 क्या हो गया, BaSO4। और पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम क्लोरीन ये हो गया +1, ये हो गया -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद भी KCl बस। फिर देखो डी, अब आपने इसको लिख दिया BaCl2 प्लस में K2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस में KCl। बेरियम यहाँ पे कितने एटम, 1, यहाँ कितने, 1, क्लोरीन यहाँ पे 2, यहाँ कितने, 1, 2 लगा दिया, पोटेशियम यहाँ 2, ऑलरेडी क्लोरीन की वजह से पोटेशियम 2 हो चुका है, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 एटम्स, ऑक्सीजन 4 एटम्स, दैट्स इट स्टूडेंट्स। ये थी आपकी बैलेंसिंग क्वेश्चन नंबर 7। तो इसी तरह स्टूडेंट्स वीडियो आती रहेंगी, ठीक है, तो होपफुली आपको सेशन मजा आया होगा, सेशन विद स्टेशन, ठीक है, मजा आया होगा आपको, किसी स्टेशन पे नहीं रुके होंगे आप। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, आपका ही चैनल, चैनल का नाम स्टेशन जा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़ो आप लोग, थैंक यू देखने के लिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, भारत माता की जय ऑलवेज, नॉट ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे स्पेशल ओकेजन, ऑलवेज भारत माता की जय, ठीक है, हमेशा।